चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 4 चरण में 29 लोकसभा सीट के चुनाव होंगे। एमपी में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। जानिए कौन सी सीट पर कब होगी वोटिंग। 19 अप्रैल को 6 लोकसभा सीट सीधी, जबलपुर, शहडोल, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को 7 लोकसभा सीट टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल में वोटिंग होगी। 7 मई को 8 लोकसभा सीट मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ के लिए वोटिंग होगी। 13 मई को आखिरी चरण में 8 लोकसभा सीट देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में वोटिंग होगी। अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट संख्या और समीकरण को भी समझ लें। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 29 हैं, जिसमें कुल वोटर की संख्या 5,63,40,064 है। पुरुष वोटरों की संख्या 2,79,00,000 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 2,73,87,122 है। नए वोटरों की संख्या 16,00,000 है। लोकसभा में मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी 28 सीटों पर कब्जा है। इसी के साथ बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 58% वोट शेयर हासिल हुआ था, जबकि कांग्रेस के कब्जे में 1 सीट है। कांग्रेस को 34.50 वोट शेयर हासिल हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के चुनाव में कोई सीट भले ना जीती हो, लेकिन बसपा ने 2.38 वोट हासिल किए थे, जबकि अन्य के खातों में 3.65 वोट गए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में सांसद से विधायक बने नेताओं ने इस्तीफा दिया है, जिसकी वजह से 5 सीट खाली हैं। इनमें मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर, दमोह से प्रहलाद पटेल, जबलपुर से राकेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और नर्मदापुरम से राव उदय प्रताप का नाम शामिल है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।